सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग चलते चलते बना रही हूँ क्योंकि आज मैं निकली हूँ मेरी सासू माँ के साथ और मीना नंद के साथ। हाई। सो आज हम लोग निकले हैं बाजार के लिए। सो आज मैंने सोची कि आज मैं मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ से कुछ बना के खिलाऊँ। सो आज मैं बना रही हूँ तहसील के साथ मिल के सैंडविच नहीं पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा बना रहे हम लोग दोनों आज मिल के। सो देखते हैं कैसा बनेगा। सो अभी हम लोग निकले हैं शॉपिंग पे, जो भी सामान चाहिए बनाने के लिए सो वो खरीदेंगे। सो आज मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बाज़ार में कैसा खरीदते हैं क्या करते, क्योंकि आज तक मैं गई नहीं हूँ। मेरी मम्मी के साथ भी मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी उम्र इतनी थी कि मैं जा नहीं सकी। अभी शादी हो गई तो जिम्मेदारी आ गई तो जाना पड़ रहा है। सो जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं आप लोग को। अभी हम लोग आ चुके हैं चिकन लेने। सो मम्मी आज चिकन ले रहे हैं, अभी चिकन कट करके छोटे छोटे पीसेस में लेंगे जो बोनलेस रहेगा तो उसके रेशे करके करना पड़ेगा। सभी लेते हैं चिकन। तो अभी हम लोग ने ले लिए हैं ब्रेड, जो ब्रेड पिज्ज़ा हम लोग को जो बनाना है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो चिकन हो गई, ब्रेड हो गई, अब मायोनीज जो सॉसेस बचे वो सब लेने जाएंगे। अभी आ चुकी हूँ मैं सब सामान वामान लेके घर पर, और घर पर आके अभी हम मैंने चिकन बॉईल करने रख चुके हैं। सो अभी चिकन बॉईल हो रही है, तब तक चिकन बॉईल होएगी तब तक के हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। सो शॉपिंग क्या चीज़ की करेंगे, शिमला मिर्ची और टमाटर की करेंगे क्योंकि ज़्यादा वेज कोई खाता नहीं है और मैं भी नहीं खाती, ना दानिश खाते, ना घर वाले तो खाते बट हम लोग नहीं खाते। सो उसको शॉपिंग करते हैं, फिर जब तक चिकन भी हो जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी उसके आगे प्रोसीजर आप लोग को बताते हैं। मैं बैठ चुकी हूँ चॉपिंग करने। सो अभी हम लोग शिमला मिर्ची और टमाटर को काट लेंगे। सो काटेंगे हम लोग इस तरह से, इसको ही पतली सी करके फिर छोटे छोटे पीस कर देंगे तो ऊपर गार्निशिंग के लिए अच्छा रहेगा। सो आगे की तुम प्रो करना व्लॉगिंग क्योंकि मैं बिजी रहूँगी, फिर डिस्टर्ब होगा तो मेरा खाना अच्छा नहीं बनेगा, फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझे। हाँ हेलो, चलो देखो आते भी नहीं काटने, बस इतनी बस खुद बना रहे हैं, सब पूछ रहे उधर बैठे हुए, किधर बैठे हुए। सो दोनों की ना सूफिया बातें हो रही थी, देखें क्या बोल रहे थे। फटाफट हो जाएगा, देखे अभी तो सिर्फ शिमला मिर्ची भी टमाटर अभी बाकी है। अरे 5 मिनट का काम है ना बाबू। बाबू देखो, बाबू बोले, देखे बाबू इसलिए बोलते है स्कूल जाएगा पढ़ा लिखा करो बाबू। जान दो अभी मामी क्या बोले, बाबू बोले देखो। ठीक ठीक ठीक। तो फाइनली मम्मी आ गए घर पे। मम्मी दो घंटे से लोग बैठे, अभी तो ना टमाटर हुआ ना कुछ हुआ, कितने झूठे। देखो नीचे जाओ, टमाटर और शिमला मिर्च कट गई है। तो फाइनली इतने टाइम बाद हो गया, हमारी चिकन से कर दिए हैं और हमारी ये भी कट चुकी है प्याज और टमाटर। सो अभी बाउल के अंदर हम लोग ये तीनों मिक्स करके इसके अंदर सॉस और मायोनीज डाल देंगे। हाँ शिमला मिर्च और टमाटर और ये चिकन हम लोग तीनों लेके उसको बाउल लेके बाउल के अंदर मिक्स कर देंगे, सॉस डालेंगे मायोनीज और पिज्ज़ा सॉस डाल के उसको अच्छे से पूरा मैश कर देंगे। फिर जब बनाने का रहेगा तब उसके बाद आगे कंटिन्यू बताती हूँ आप लोग को। सो अभी हम लोगों ने तीनों चीज़ मिक्स कर दिए, चिकन अपना ये और टमाटर तीनों। अब इसके अंदर हम लोग ये सॉस डालेंगे पिज्ज़ा एंड पास्ता और मायोनीज डाल देंगे और मिला देंगे और रख देंगे उसको थोड़ी देर अंदर। फिर जब बल हो जाएंगे फिर निकाल के फिर ब्रेड पर लगा के फिर इसको फ्राई कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, नौशीन कितने ध्यान से बना रही है, इतने ध्यान से मिक्स कर रही है, पहली बार हमारी रसोई में। तो हम लोगों ने तीनों चीज मिक्स कर दिए, पूरे सॉसेस डाल चुके हैं। मम्मी तुम्हारी बहू इतने ध्यान से बना रही है, तुम्हारा क्या कहना है। बहुत अच्छा दिख रहा है, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार बना रही है, अच्छा बना रही है। फिर खाने के बाद मालूम पड़ेगा कैसा है माशाल्लाह। आपको कैसी लगा मेरे बच्चे का मेहनत करते हुए, कमेंट में जवाब दीजिए। अंकल सीख गए YouTube पे। गाइस मम्मी मेरी एक्टिंग कर रहे थे, मम्मी एक्टिंग करिए बताओ। अभी चुप हो गए।
बताओ वेटिंग करके क्या कैमरे चुप हो गए, लेट हो गया तो मेरे बच्चे को गुस्सा आ गया है, उसलिए मतलब मोटा नौशीन दा गुस्सा हो गया मम्मी लेट हुए तो तो मैंने जरा सी बोलती कि आता नहीं है तो गुस्सा होकर बैठ गए, मम्मी हम लोग सब मनाने लग गए समझे, क्या मना इतनी बात तो गुस्सा हो जाता है, तो ये सैंडविच बनाने लग गई ऐसा सैंडविच ने पिज्जा है वो। अच्छा पिज्जा, ये लो ऐसा पिज्जा दोगे कौन से, अब्बा आएंगे फिर, अब्बा आएंगे फिर, सरप्राइज है सरप्राइज है वो। मैं एक अब्बा आएगा जो अब्बा के मुंह में डाल के अब्बा का वो एक वो लूंगी मैं, क्या लूंगी क्या और मम्मी को तो और पसंद है। हाँ। हाँ। तो शक भी नहीं पूछो रेसिपी को, बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत सुखा है। सो अब्बा आ गए हैं घर पे, नौशीन का भी बना के रेडी है, टेस्ट कराओ। चलो अभी जा रही है बहू रानी, अभी जा रही है बहू रानी खुश करने, खाना तो पड़ेगा ना, अभी इतना प्यार से बहू ने बनाया तो देखो बिछाई का मुंह उतर गया। तुम्हारे लिए अब्बा और किसी के लिए भी नहीं है, लोग सब खाए खाली है। तो अब्बा के लिए आ गया सॉस, चलो अब्बा खा के बताओ कैसा लगा, खा के देखता हूँ कैसा लगेगा बाद में बताऊंगा। चलो वापिस खा लिया अब्बा ने, देखी मैंने बोले भी सरस छे, देखो वापिस सारा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम खा रहे लाइफ के अंदर। मम्मी तो खा चुके, मम्मी को बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, कंगाल हो जाएंगे। अब्बा का दादी नहीं रुक रहा है और मुंह भी नहीं रुक रहा है, तो मैं और बनाती हूँ जब तक के उसकी नौशीन तुमको देती हूँ। अभी दानिश नौशी का कुछ नई चीज आने वाली है, बहुत जल्दी सरप्राइज है, बताता हूँ आप लोग दुआ करो, बहुत जल्दी एक चीज ओपनिंग होने वाली है। अब्बा को इतनी भूख लगी अब्बा ने और दो मंगाए, वाह रे वाह, नौशीन कैसा बनाए तूने, अब्बा ने दो और मंगाए, इसके लिए ये उंगली दिखाती ब्लॉग में यूं करते हुए। देखो ये बिछाई तवा में बना दी, बिछाई ओवन भी नहीं है, तवे का जो मजा है ना वो ओवन में नहीं है, अभी ये रखे अलग का बोर्ड गंदगी है, अभी मत लो, ये कांच रख दिया मैंने। सो गाइस इधर बहुत घाण है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जगह है इसके लिए, तो प्लीज डोंट माइंड इट। चलो सो भी मैंने ब्रेड ले ली, ब्रेड के ऊपर मैंने मेयोनीज लगा के अभी पिज्जा सॉस जो आप लोगों को दिखाई थी सो वो लगाई, अब इसके ऊपर हम लोग जो चिकन पूरा मैश करे थे पूरा सब लगाए थे, ये अभी थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके ऊपर, इसको स्प्रेड कर देंगे। चिकन तो बहुत कम है उसमें, सब खा रहे सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए बनाया, फिर ये हो गया इसके ऊपर, फिर हम लोग डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, अभी मैं चिली फ्लेक्स डालती हूँ थोड़ा ऑरिगेनो, अभी इसके ऊपर चीज स्प्रेड कर देंगे मैश कर देंगे, मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा चीज भर के, इसको डाल देंगे ऐसा तवे में, फिर ऐसा हो जाएगा। हो गया हमारा छोटा सी रेसिपी, आप लोग अच्छी लगेगी तो प्लीज बनाकर मुझे इंस्टा पे टैग करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट है। दिस इज रेसिपी बाय नौशीन खान। ओके अब तुम टेस्ट करके बताना कैसे लगे। अभी बारी है दानिश की, लो तुम्हारा पिज्जा, क्या किया ये तुमने, डी भी बना के दिया मेरे को, ये डी नहीं है गोल गोल ऐसे, चलो खाओ जल्दी जल्दी, मेरा जल रहा है वहां पर, क्या हम लोग सबका पेट भर लिए कैसा है तुम्हारा लाइक का है, मजा आती है।
तुम्हारे को जितनी चीज डालो ना उतनी कम है। तुमको सिर्फ चीज ही तो पसंद है और क्या पसंद है? बाकी अच्छा है। अच्छा है, रोज बोलोगे ना बनाने में को? हाँ। अभी तो रमजान में और आइटम बनाएंगे। तो मम्मी बेटे के काउंटर पे अभी मैं ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ बनाना स्टार्ट कर दी। हाँ सेल्स कर चुके अंकल, क्या बोल रहे थे? अरे वाह, चलो खाओ लो। अब रोज बोलोगे ना बनाने में को? चलो खा, अभी मैं और तहसीन दीदी बच्चे बनाती हूँ ना अभी। गाइस सबका खाना पीना हो चुका है और मैं भी फ्री हो गई, मैंने भी खा लिया और सबको खिला दी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सब अच्छी तारीफें किए मेरी और खाने की, तो इतना खा लिया माशाल्लाह के सब सो गए। देखो एक मम्मी वहाँ आराम से लेटे, अब्बा तो सो गए और ये लोग देखो तीनों के तीनों, हाँ एक्टिंग मत करो जाने के घर पे। तो तीनों के तीनों सो गए और तहसीन दीदी बिजी है इब्राहिम के लिए। तो मैं यही ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी थी रेसिपी, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। सो फिलहाल के लिए मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.